Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों बाज पक्षियों में सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। जैसे चीते को उसकी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पक्षियों में बाज को अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। यह पक्षी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज गति से उड़ सकता है। आसमान का तेज पक्षी ही नहीं बल्कि धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। लंबे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में रफ्तार के लिए ही बने हैं। इसकी नाक पर ट्यूबर सेल्स होते हैं जो डाइविंग के दौरान सांस लेने में इसकी मदद करते हैं। बाज अपनी चमकीली आंखों से 5 किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है और बाज अपने तेज पंजों से किसी भी जानवर का शिकार आसानी से कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बाज के 5 सबसे जबरदस्त अटैक। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहाड़ी पर बैठा बाज शिकार की तलाश कर रहा है, शायद उसे भूख लगी है। और वहीं थोड़ी दूर चीता अपने बच्चों के साथ मस्ती कर रहा है। अब बाज की तेज नजर चीते के बच्चों पर पड़ चुकी है और अब वह शिकार का मौका तलाश कर रहा है। थोड़ी देर बाद ही यह मौका उसे मिल गया है क्योंकि चीते का एक बच्चा चीता से दूर चला जाता है और यही सही मौका है बाज के लिए चीते के बच्चे को अपना शिकार बनाने का। बाज यह मौका हरगिज हाथ से नहीं जाने देगा और अब वह शिकार के लिए उड़ान भरता है और तेजी से अपने शिकार पर पंजों से वार करता है। अब वह चीते के बच्चे को पंजों में दबाकर ले उड़ा है और वह अपने शिकार में कामयाब हो गया है। वहीं चीते को अपने बच्चे के शिकार होने के बारे में पता चल चुका है और अब वह बाज की तलाश में लग चुका है। वहीं भूखा बाज पेड़ पर बैठकर बेखबर अपने शिकार से अपनी भूख मिटा रहा है और अब चीते की नजर बाज पर पड़ चुकी है। अब वह उस पेड़ पर चढ़ चुका है जिस पर बाज बेखबर बैठकर अपने शिकार को खा रहा है। चीते ने एकदम बैठकर बाज पर हमला कर दिया है और अपने पंजे में दबाकर बाज की गर्दन को तोड़ दिया है और अपने बच्चे का बदला ले लिया है। अब चीता अपने मरे हुए बच्चे के पास बैठकर आंसू बहा रहा है। यहाँ कुछ लोग पहाड़ की वाल में काम कर रहे हैं, वहीं भूखा बाज अपने शिकार की तलाश में आसमान में मंडरा रहा है और शायद आज उसे सुबह से कोई खाना नहीं मिला है और अब उसकी नजर पहाड़ की वाल में काम कर रहे लोगों पर है और बाज बेखबर होकर लोगों पर हमला बोल चुका है। लेकिन आदमी का वजन ज्यादा होने के कारण वह इस शिकार को करने में असफल रहा है और लोगों के डर की वजह से उसे यह शिकार छोड़ना पड़ा है। यहाँ पहाड़ के ऊपर एक बकरी का बच्चा बाज को नजर आ रहा है और वह इसका शिकार करने में मूड में है। वह यहाँ शिकार के लिए अपनी अलग टेक्निक का उपयोग करेगा। इस टेक्निक का उपयोग बाज भारी जानवरों का शिकार करने के लिए करता है। वह पहले पिछली टांगों को पकड़कर अपने शिकार को पहाड़ से नीचे गिरा देगा जिससे शिकार की इतनी ऊपर से गिरने से मौत हो जाएगी और बाज उसे आराम से अपना खाना बनाएगा।
यहाँ एक फैमिली पिकनिक पर आई हुई है। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा है जो उनके पास खेल रहा है। वहीं आसमान में उड़ रहे बाज की तेज नजर इस बच्चे पर पड़ चुकी है और वह अपने खतरनाक पंजों से बच्चे पर वार करता है। वह अपने इस मिशन में कामयाब हो चुका है, लेकिन बच्चे के माता पिता के चिल्लाने की वजह से उसे यह बच्चा छोड़ना पड़ा है। यहाँ एक कुत्ता व उसका पिल्ला ग्राउंड में घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक बाज पिल्ले पर अचानक से अटैक करता है और वह पिल्ला भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाज के खतरनाक पंजों से छूटना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है और बाज इस मिशन में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे बाज के कुछ खतरनाक अटैक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।